सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ सैयदी आला हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैंने शेर का आगाज़ लिया है, और आप लोग यहाँ मौजूद हैं तो मौजूदगी का इजहार हजूर के नवासों से, अकीदत का इजहार सुभान अल्लाह की सदा से तो होगा ना। सुभान अल्लाह, आ तो गए हैं घरों को छोड़कर, आ तो गए हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आया जब तक बारगाह रिसालत से इजाज़त ना हो। सुभान अल्लाह, जब तक इजाज़त नहीं है तो कौन आएगा, वरना दुनिया के काम तो चल रहे हैं, लोग दुनिया के कामों में लगे हुए हैं। ये अल्लाह का आप पर ख़ास करम है, मुझ पर ख़ास करम है कि आज हम हजूर के याद में, हजूर के आलो असहाब की याद में यहाँ इकट्ठे हैं। आला हज़रत ने जो इन मिस्रों में अकीदा बयान कर दिया, मैं समझता हूँ कि वाज़ेह हो गई बात कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो जब ऐसी महफिलों में आए तो खुद तो आ जाते हैं तो ज़ौक भी लेकर आया करें, ज़ौक और शौक भी लेकर आया करें, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि मैं किसी के सामने पढ़ रहा हूँ और वो बाज़ौक होकर सुन रहा है। स्टेज तो है ही, सादात मौजूद हैं, उलमा बैठे हुए हैं, यहाँ तो मरकज़ है ज़ौक का, तो ज़ौक का तो मरकज़ ये है। तो यहाँ से लेकर मैं इंशाल्लाह ज़ौक आप तक आऊँगा, और ज़ौक जो है वो ये सुभान अल्लाह और माशाल्लाह की सदाएँ हैं। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जितना हज़रत अल्लामा खुर्रम शहज़ाद साहिब ने मुझे वक्त इनायत फरमाया है, इंशाल्लाह मैं उस वक्त से पहले ही, कुछ मिनटों पहले ही माइक से जुदा हो जाऊंगा, इंशाल्लाह आपके हुक्म की तामील होगी। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप पूरे ज़ौक और पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ आपने समात करना है, मुझे भी और आने वाले हर मेहमान को। एक दफ़ा मोहब्बत और अकीदत के साथ बारगाह रिसालत माब में मुझे कहना ना पड़े, जब भी दुरूद पाक हजूर की बारगाह में पढ़ने को कहा जाए तो गुलामों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ना है, जैसे हजूर का गुलाम पढ़ता है। तो एक दफ़ा बावाज़े बुलंद ये इलाका गूंज जाए आपकी दुरूद शरीफ की सदा से, पता चल जाए कि आप वाकई ज़ौक भी लेकर आए हुए हैं। बावाज़े बुलंद पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि के लिए यही दुआ कर सकता हूँ। आज जो यहाँ बैठा है ना छतरी के नीचे है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह चाहिए आपके, जो आज इस छतरी के नीचे बैठा है ना, अल्लाह ताला उसको हजूर के कदमों में लगी छतरी के नीचे बैठना नसीब फरमाए। सुभान, इससे बड़ी प्यारी दुआ मेरे पास नहीं है। जो एक दफा जौक लेकर आया पूरे ईमानी जज्बे के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, लुत्फ आ जाए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। चूंकि मैंने गुजारिश की कि स्टेज ज़ौक का मरकज है, सबसे पहले मैं स्टेज से भी सुनना चाहूंगा, सब पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि लाज रखना
सहारा
और मुझे चाहिए सुभान अल्लाह की सदाएं वो मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको दरें की भलाइयां नसीब फरमाए। सराके गोला ने जो ये शेर फरमाया ना उसका पहला मिसरा मैं कहूंगा तो ऐसे मिलकर इत्तेफाक से आपने सुभान अल्लाह कहनी है कि ये पूरा इलाका मुझे सुभान अल्लाह से मैं कहने लगा हूं। क्या Well,
मुबारक हो। कब्र में लहराएंगे जश्न नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल नाराय रिसालत नारा रिसालत जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल बाबा जी कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। जो जागता है ना जरा सीधे हाथ खम ना हो उठाए जरा दोनों हाथ, मैं नारा लगाने लगा हूं ईमान का नारा। बाबा नारा लगा गए बाबा जी, मोहब्बत में लगा गए, लेकिन तरतीब नारे की याद रखे। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, या गौसे आजम दस्तगीर। जरा हाथ उठाए ना, जरा हाथ उठाए जरा, नारा तहकीक अच्छा, नारा हैदरी, नारा गौसिया। मैंने आपसे कहा हाथ उठाए, किसी वजह से कह रहा हूँ हाथ उठाए ना जरा। ऐसे ऐसे ये कैमरा नहीं घूमता, कैमरा घूमता है, घुमा पे घुमा, जल्दी घुमा, जल्दी घुमा देना कैमरा, घुमा दे घुमा देना। जरा उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, उठाओ जो बैठा है खड़ा है। ये मैं क्यों हाथ उठवा रहा हूँ, इसलिए उठवा रहा हूँ क्योंकि मैं ईमान का नारा लगाने लगा हूँ। ताज तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, 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 ताज तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताज तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 नारा रिसालत, हजरत ये तो बोलते भी हैं बोलते भी अकीदत में। मेरे पास माइक है, बहुत आवाज है, इम्तिहान आपका लेने लगा हूँ, मोहब्बत का इम्तिहान और प्यार का इम्तिहान और नेकी का इम्तिहान लेना भी चाहिए। जरा कहे ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपसे कहा हाथ उठाएं, आपने हाथों को उठाया हजूर की मोहब्बत में, फिर उठा लो जरा, उठाए उठाए, कोई सजा नहीं है, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। अब मैं आज तक कहूंगा और आपसे सुनूंगा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। फिर कहना जो रह गए बोले, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं चुप बोले, नारा मैं क्यों लगा रहा हूँ। आला
हजरत का ये शेर पढ़ने के लिए वो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब नारा है
देखे मेरी बात सुने, नारा यहाँ लग रहा है, काम कहीं और कर रहा है। जरा काम कर जाए, काम कर जाए, काम कर जाए नारा। जरा बोले ना नाराय तहकी, वाह भाई। फिर कहें नाराय तहकी, फिर कहें नाराय तहकी।